हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेवल कंपेनियन। आज हम मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित माता शारदा का मंदिर यानी कि मैहर वाली माता के बारे में बात करेंगे। मैहर माता का यह प्राचीन मंदिर माँ शारदा देवी की पूजा अर्चना और उनके चमत्कारों के लिए जाना जाता है। मैहर माता मंदिर की सबसे खास बात यह है कि देवी शारदा का यह मंदिर हिंदू धर्म के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। फ्रेंड्स, अगर आप भी मैहर वाली माता जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहेगा। इस वीडियो में हम आपको मैहर वाली माता से संबंधित छोटी बड़ी हर तरह की इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप मैहर कैसे जा सकते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद आप वहाँ पर स्टे कहाँ कर सकते हैं, हमको वहाँ पर बजट होटल्स कहाँ मिलेंगे, वहाँ खाने पीने की क्या व्यवस्था है, माता के दर्शन हम कैसे कर सकेंगे और दर्शन करने में हमें कितना समय लगेगा। और वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि मैहर जाने में एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिए, एक एक करके हम आपके साथ सारी बातों की जानकारी शेयर करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि हम मैहर कैसे पहुंच सकते हैं। तो मैहर पहुंचने के आपके पास तीन ऑप्शन है। पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है बाई ट्रेन का। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो है मैहर रेलवे स्टेशन, जो कि देश के प्रमुख शहरों से अच्छे से वेल कनेक्टेड है। लेकिन कुछ ट्रेनों का वहाँ पर स्टॉपेज ना होने के कारण आप उतर सकते हैं कटनी जंक्शन या फिर आप उतर सकते हैं सतना जंक्शन। कटनी और सतना जंक्शन में आपको प्रमुख ट्रेनें देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ उतर कर आप मैहर आसानी से पहुँच सकते हैं। और अगर आपकी ट्रेन का मैहर में स्टॉपेज है तो आप वहां उतर सकते हैं। वहां से आपको ऑटो या टैक्सी मिल जाएगी जो आपको मैहर वाली माता तक छोड़ देंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की और वो है बाई रोड। दोस्तों, अगर आप बाई रोड आना चाहते हैं तो आपको जबलपुर से मैहर के लिए वेल कनेक्टेड बसेस देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आपको यूपी के प्रयागराज, मिर्ज़ापुर, सतना हर जगह से आपको बस की कनेक्टिविटी मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी मैहर तक आ सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं तीसरे और लास्ट ऑप्शन की, जो कि है फ्लाइट का। फ्रेंड्स, अगर आप बाय फ्लाइट मैहर आना चाहते हैं तो यहां आने के लिए आपके पास तीन एयरपोर्ट हैं। पहले एयरपोर्ट की बात करें तो वो है खजुराहो एयरपोर्ट, जो कि मैहर का काफ़ी नज़दीकी एयरपोर्ट है। मैहर से इस एयरपोर्ट की दूरी करीब 104 किलोमीटर की पड़ जाती है। एयरपोर्ट उतरने के बाद आप बाई रोड 104 किलोमीटर की दूरी तय करके मैहर तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं दूसरे एयरपोर्ट की, जो है जबलपुर का एयरपोर्ट। और मैहर से इसकी दूरी लगभग 140 किलोमीटर है, तो आप चाहें तो जबलपुर एयरपोर्ट पर भी आ सकते हैं। और बात करते हैं तीसरे एयरपोर्ट की, जो कि है प्रयागराज एयरपोर्ट। इससे मैहर की दूरी करीब 220 किलोमीटर की पड़ जाती है और ये मैहर से काफ़ी दूर भी है। तो आप तीनों में से जहाँ पर भी आपकी फ़्लाइट आ रही है उस एयरपोर्ट पर आकर आप बाई रोड होते हुए मैहर तक पहुँच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे मैहर आने के सारे ऑप्शंस जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग मैहर तक पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं मैहर पहुंचने के बाद कि हम यहाँ पर कहाँ स्टे कर सकते हैं और यहाँ पर हमको बजट होटल्स कहाँ मिल सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैहर सतना जिले के अंदर एक छोटा सा टाउन है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी बजट होटल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर रेट की बात करें तो यहाँ पर आपको हार्डली 400 से 500 रुपए में एक नाइट के लिए रूम की सुविधा देखने को मिल जाएगी, जो कि ये रूम जो है आपका डबल बेड का रहेगा। वहीं अगर दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है शारदा माता जी का एक ट्रस्ट चलता है, वहाँ पर आपको डोरमेट्री और धर्मशाला की भी सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर रूम आपको 200 से 250 के बीच में मिल जाएंगे, तो आप चाहें तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं या फिर आप प्राइवेट होटल लेकर भी रूम में रुक सकते हैं। तो ये तो हो गई यहाँ पर रुकने की बात। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि हमें माता जी के दर्शन कैसे करने हैं, हमें मंदिर तक कैसे पहुंचना है और वहां पर पहुंचने के बाद हमें वहां पर क्या क्या करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप जहां पर रुके हैं वहां से ऑटो ले लें। ऑटो वाला आपसे करीब 30 या 40 रुपए चार्ज करेगा और आपको मैहर वाली माता का जो मंदिर का प्रांगण है वहाँ पर छोड़ देगा। और वहाँ से आपको लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑटो वाले जो होते हैं उनका जाना अलाउड नहीं होता है, मतलब वहाँ पर कोई व्हीकल वगैरह नहीं जा सकता। फ्रेंड्स, माता के दर्शन करने के लिए आपको यहाँ पर चढ़ाई करके जाना होगा, जहाँ पर लगभग आपको 1063 सीढ़ियाँ देखने को मिलेंगी। उन सीढ़ियों को कुछ आपको चढ़ना होगा और सीढ़ियाँ चढ़ने में लगभग आपको 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाएगा और आप आराम से माता जी के मंदिर तक पहुँच जाएंगे। दोस्तों, अगर आप माता के लिए चुंदरी, प्रसाद, फूल माला कुछ भी लेना
चाहते हैं तो वो या तो आप नीचे से ले लें, नहीं तो आप जैसे जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते जाएंगे तो आपको दोनों साइड जो है प्रसाद वगैरह की स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप प्रसाद वगैरह ले सकते हैं और जय शारदा माता का नारा लगाते हुए मंदिर प्रांगण तक आप पहुँच जाएंगे। फ्रेंड्स, वहीं अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या फिर कोई बच्चा है जो कि सीढ़ियाँ चढ़ने में असमर्थ है तो आप यहाँ पर रोप वे के द्वारा भी जा सकते हैं। रोप वे की अगर किराए की बात करें तो यहाँ पर 120 रुपये पर पर्सन के हिसाब से किराया रहता है। तो फ्रेंड्स, आप रोप वे के द्वारा भी माता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। जब आप रोप वे के द्वारा जाएंगे तो आपको वहां पर काफ़ी सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा, तो उन नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप माता के मंदिर तक पहुंच सकते हैं। फ्रेंड्स, वहीं अगर आप सीढ़ियों से जा रहे हैं तो जय माता जी का नारा लगाते हुए, जय शारदा माता का नारा लगाते हुए आप पहुँच जाएंगे मंदिर के मुख्य द्वार पर। फ्रेंड्स, मंदिर पहुँचने के बाद आप वहाँ पर दर्शन करिए, परिक्रमा करिए और अपनी मनोकामना मांगिए और दर्शन करने के बाद आप मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। फ्रेंड्स, मंदिर प्रांगण से बाहर आने के बाद आप वहां पर बने हुए मंदिर कैंपस में जा सकते हैं। ये कैंपस ज़्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि ये जो मंदिर है वो करीब 1204 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है और यहां से आपको पूरे मैहर शहर का एक सुंदर व्यू देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ यहां से आपको आला जी का सरोवर भी देखने को मिलेगा जो कि मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको मैहर माता मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ जानकारी दे देती हूँ। ऐसा माना जाता है कि माँ शारदा का यह मंदिर आला और उदल नामक दो योद्धाओं के द्वारा माँ शारदा देवी मंदिर की खोज की गई थी। जब योद्धा आला और उदल ने राजा पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया था, इसी दौरान उन्होंने मंदिर की खोज की थी। ऐसा माना जाता है कि आला ने मंदिर में लगभग 12 साल तक तप किया था, जिससे माँ ने उनसे प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था। माना जाता है कि आला और उदल 900 साल से आज भी यहाँ पर जीवित हैं और ऐसा कहा जाता है कि मैहर माता मंदिर में रात को आला अब भी आते हैं और सुबह की आरती आला के द्वारा ही की जाती है, ऐसा लोगों का कहना है। तो फ्रेंड्स, आप मंदिर को अच्छे से विजिट करिए और उसके बाद आप यहाँ के और भी जो भी दर्शनीय स्थल, जो भी मंदिर हैं उनको भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैहर में हम और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आप मैहर माता के दर्शन करने जाएंगे तो आपको वहीं पर ऑटो वाले मिल जाएंगे जो आपसे करीब 400 से 500 रुपए चार्ज करेंगे और आपको मैहर में जो भी दर्शनीय स्थल मंदिर हैं उनको आपको अच्छे से विजिट करा के वापस आपके होटल या फिर रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर देंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं जहाँ पर हम विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहां पर जा सकते हैं आला सरोवर, जो मैहर माता मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सरोवर के बारे में कहा जाता है कि यहीं पर आला जी सवेरे डुबकी लगाने के बाद माता जी की पूजा अर्चना करने जाते हैं। ये सरोवर काफ़ी अच्छा बना हुआ है तो आप लोग एक बार यहाँ पर ज़रूर जाइएगा। और वहीं पर एक आला जी का मंदिर बना हुआ है जो कि काफ़ी प्राचीन और सुंदर मंदिर है, तो आप इस मंदिर के भी दर्शन अवश्य करिए। फ्रेंड्स, इस मंदिर से आप 2 किलोमीटर जब आगे जाएंगे तो आपको वहां पर आला उदल जी का अखाड़ा देखने को मिलेगा जहां पर ये लोग कुश्ती लड़ा करते थे। तो फ्रेंड्स, आप चाहें तो यहां पर जाकर आला उदल का जो अखाड़ा है उसके भी दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं गोला मठ मंदिर। यहाँ पर शंकर जी की ज्योतिर्लिंग बनी हुई है तो यहाँ पर जाकर आप शंकर जी की ज्योतिर्लिंग जो है उसके दर्शन कर सकते हैं। गोला मठ मंदिर पूरी तरह से पत्थर से बना हुआ है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह मंदिर एक ही रात में बनकर तैयार हुआ था। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर भी जाकर एक बार जरूर विजिट करिएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद आप विजिट कर सकते हैं बड़ी खेर माई मंदिर। यह मंदिर एक धार्मिक स्थल है। यह मंदिर बड़ी खेर माई को समर्पित है। बड़ी खेर माई मंदिर के बारे में कहा जाता है कि ये माँ शारदा की बड़ी बहन थी। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर भी ज़रूर जाएं। इसके बाद फ्रेंड्स, आप विजिट कर सकते हैं बड़ा अखाड़ा मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है, तो आप यहाँ पर भी जाकर दर्शन अवश्य करें। और इसके बाद आप चाहें तो नरसिंह जी के मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर इसके बाद आपके पास समय बचता है तो आप मैहर का किला भी विजिट कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर रुक रहे हैं तो आप दूसरे दिन जाकर मैहर का किला और जो भी एक दो दर्शनीय स्थल हैं उनको भी विजिट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद आप वापस अपने अपने शहर के लिए रवानगी ले सकते हैं।
चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि यहाँ पर खाने पीने की क्या व्यवस्था है। तो फ्रेंड्स एक तो ये है कि आप यहाँ पर प्राइवेट होटल्स में जाकर खा सकते हैं, जहाँ पर आपको 80 से 90 रुपए में काफ़ी अच्छी थाली देखने को मिल जाएगी। और वहीं दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो यहाँ पर चलता है लंगर, जो कि माता शारदा जी के ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। और ये लंगर आपको जहाँ पर रोप वे की आपने टिकट ली थी, उसी के बगल में आपको एक प्रसादालय देखने को मिलेगा, जो कि माँ शारदा जी के ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है। तो वहाँ पर आप 20 रुपए का टोकन लेकर जो है वहाँ पर जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और ये जो लंगर होता है उसकी टाइमिंग सुबह 11 बजे से 1 बजे तक ही होती है। तो अगर आप यहाँ पर भोजन ग्रहण करने आ रहे हैं तो समय का विशेष रूप से ध्यान रखें। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं कि यहाँ पर आने के लिए हमें कितने दिन का ट्रिप प्लान करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मैयर आने के लिए आपके पास एक दिन सफिशियंट होता है, लेकिन अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो आप यहाँ पर एक रात का स्टे ले सकते हैं। और एक दिन में आप यहाँ के सारे जो भी दर्शनीय स्थल है उनको अच्छे से विजिट कर लेंगे और अगले दिन आप वापस मैयर से जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगर बात करें यहाँ पर आने के सही समय की, तो यहाँ पर जो भी दर्शक और जो भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं वो अधिकतर नवरात्रि के दिनों में ही आते हैं, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में माता जी के दर्शन करने का पुण्य जो फल होता है वो अलग ही मिलता है। फ्रेंड्स अगर आप भीड़ भाड़ से बचना चाहते हैं तो आप नवरात्रि या फिर जो भी कोई फेस्टिवल या फिर त्यौहार होता है उसको छोड़कर आप यहाँ पर कभी भी आ सकते हैं। अगर आप इन सारे त्यौहारों को छोड़कर आएंगे तो आपको यहाँ पर भीड़ भाड़ कम देखने को मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि यहाँ पर आने का हमारा एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना आएगा। फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पर सिर्फ दिन दिन के लिए आ रहे हैं, रात में कोई भी स्टे नहीं ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर 600 से 700 रुपए में आराम से विजिट कर लेंगे। और वहीं अगर आप एक रात यहाँ पर रुकते हैं तो आपका एक व्यक्ति का कुल खर्चा करीब 1000 से 1200 रुपए आ जाएगा। इस बजट में आप आसानी से मैयर को अच्छे से विजिट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये थी मैयर से संबंधित हर तरह की जानकारी, जिसका मैंने आपको संपूर्ण विवरण दिया है। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।